अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज़ फाइन. योर टीचर इज़ हियर एंड योर सब्जेक्ट इज़ सोशल स्टडीज़. एज यू नो दैट वी स्टार्टेड द रिवीजन फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स, सो दिस इज़ द सोशल स्टडीज लेक्चर नंबर 2 में से लिया गया है आपको, जो मैंने अभी दिया है सेकेंड रिवीजन. उसमें आपको मैंने सारे वर्ड्स मीनिंग दिए हैं फाइनल टर्म में से. तो जो वर्ड्स मीनिंग है आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. आपको पता है कि इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, सो इफ यू वांट फर्दर लेक्चर्स यू कैन गेट इट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल. अब ये देखिए, जो वर्ड्स हैं यूनाइटेड मीन्स ज्वाइन टुगेदर पॉलिटिकली, यानी कि जब हम पॉलिटिकली ज्वाइन करते हैं, यूनाइटेड नेशन हमने कहा है, तो ये उसका मतलब है एक साथ आ जाना. लीग अ कलेक्शन ऑफ पीपल कंट्री और ग्रुप, यानी कलेक्शन लोग एक साथ होना, या मुल्क और ग्रुप, ठीक है, उसको लीग कहेंगे. डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी चीज़ से एग्री नहीं होते. असेंबली अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर इन वन प्लेस फॉर कॉमन पर्पज. जैसे मॉर्निंग में जब आप स्कूल अटेंड करते हैं तो आपकी असेंबली होती है, क्योंकि आपका एक पर्पज़ होता है कि आपने दुआ पढ़नी है, आपने एंथम पढ़ना है, तो वो असेंबली यानी वो असेंबल होते, एक साथ आते. काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ पीपल फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मीटिंग रेगुलरली, यानी वहाँ पर मीटिंग होती है रेगुलरली किसी भी टॉपिक पे फॉर्मल तरीके से जो काम होता है, ठीक है. ये सारे वर्ड्स मीनिंग हैं आपके यूनाइटेड नेशन में से, ठीक है, क्लास 8 के. अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसके आपके वर्ड्स मीनिंग है, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू दैट वन ऑल्सो. ये वाले वर्ड्स मीनिंग आपके नेक्स्ट चैप्टर में से हैं, ठीक है. ये सारे आपने एक साथ लिखने हैं, ये नहीं करेंगे कि अलग अलग लिखेंगे. ना इमिग्रेंट्स कहते हैं फॉरेनर्स को, वो लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं जॉब पर्पज़ के लिए, रहने के लिए, और या जिस वजह से भी उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं. इमिग्रेंट्स जो दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं, जैसे कोई आपके मुल्क में आएगा रहने के लिए तो उसे इमिग्रेंट कहेंगे, अगर ठीक है. डिस्पाइट इंक्लूडिंग, डिस्पाइट का मतलब होता है इंक्लूडिंग. फेटफुल क्रिटिकल अनकल्टिवेटेड, ये देखिए ये ऑपोजिट है कल्टिवेटेड का. कल्टिवेटेड कहते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, द लैंड जो ग्रो करती है. अनकल्टिवेटेड वो लैंड जो ग्रो नहीं करती है, जैसे कि पथरीली हो या ड्राई हो. माउंटेन से ये पता चल रहा है कि ऊंचा, बड़ा, ह्यूज, बहुत बड़ा. तो ये मीनिंग्स हैं आपके टोटल. लेट मी सी, फाइव इज़ हेयर. टोटल 10 वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं. पहले आपने इन वर्ड्स मीनिंग को समझना है. आप इसमें से देखिए, आपके ये वाले वीडियोस अपलोड भी हुए हुए हैं, ठीक है. आप उसमें से जाके देखिए, इसको समझना है. पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेकेंड यू हैव टू लर्न, थर्ड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट रिवीजन. आपकी ये रिवीजन आर वेरी यूज़फुल, इट विल बी यूज़फुल फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर आप इसको फॉलो अप करते रहेंगे सो यू विल एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन. एज यू नो द टाइम इज़ कमिंग वेरी क्लोज, आपको ये प्रिपरेशन होगी. इसमें ये फ़ायदा होगा आपको कि आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी होंगे. स्टिल इफ़ यू फील दैट कोई चीज़ आपको पूछनी है, इफ़ यू फील एज यू नो दैट द फिजिकल स्टार्टेड सम टाइम इज गोइंग ऑन, सो यू कैन कम एंड आस्क, और एनी टाइम यू कैन कम एंड आस्क. ये फर्स्ट इस बात को रखें कि ये आपने अलग नहीं लिखना है, ये सारे वर्ड्स मीनिंग यू हैव टू राइट इन द सेम. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज वर्ड्स मीनिंग, ये टोटल 10 हैं, आपने एक जगह पे लिखनी है याद करके, ठीक है. और आई विल गिव यू अनदर रिवीजन ऑल्सो. इसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थिंग्स, हम देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज आ रही है. आप इस पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जैसे जैसे रिवीजन आएगा आई विल टेल यू कि उसके किस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी चेंज. आप उसको याद कर लेंगे, अगर आपको आता होगा इंशाल्लाह यू विल एबल टू डू इट. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड टाइम.
في امان الله.